हिजड़े तो हिजड़ा है साला, हिजड़ा तो छत्ता है साला। कुत्ते के पत्ते साले, उल्लू के पत्ते साले। देख अगर तुझे ब्लॉग बनाने है ना तमीज और तहजीब, सबसे पहले ना अपने भेजे में बिठा ले, तेरी बहन अनमेरिड है ठीक है ना, अनमेरिड बहन है तेरी भी घर पे, तो किसी की माँ बहनों को बोलेगा ना तो देख तेरी भी अनमेरिड बहन है, वो भी किसी के साथ भाग जाएगी। और तू क्या सोच रहा है, तू बोल रहा है कि हम इकट्ठे रह रहे हैं, तेरी बहन कहाँ है आज की डेट में, तेरी बहन कहाँ है बोलू मैं, बोलू तेरी बहन कहाँ है, नहीं बोलती क्योंकि वो भी बेटी है तेरे घर की। बस चूतिए के पत्थे साले, उल्लू के पत्थे, जिस बाप ने तुझे पैदा किया है ना कम से कम उस बाप को तो अपने घर में रख लेता, तूने तो उसको भी नहीं रखा, तू तो इतना बेशरम आदमी है, बेगरत आदमी है, तो लोगों को कर दिखा रहा है। दूसरी बार ये बबीता, ये दो कौड़ी की बबीता है ना, ये कल तेरे साथ बैठी हुई थी परसों, और ये हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान के लोगों को ठेंगा दिखा रही थी। साले रंगपुरा में आने पे ना कोई बात नहीं, ये तो 20 किलोमीटर है, 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, जो तो अंगूठा दिखा रही थी ना, वो अंगूठा काट के तेरी उंगली तेरे नाक में डाल देंगे, समझी। इतनी तुम बेरत औरतें चारों पासों पे बैठी हुई थी ना, तालियों को ना काट के वहीं डाल देंगे, समझे। ये मत सोचना हम अपने, सिर्फ अपने उससे है कि भाई हमारा कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा, अपने कानून के जैसे हम चुप बैठे हुए हैं, अलग कानून नहीं होता है ना, ये कब की ये बोधली जज है ना, जहाँ जहाँ जिस जिस मर्द के साथ रहती है ना, जिस जिस रात उस रात को उस मर्द का नाम लिखवा देती है, दो टके की औरत। तो हमारे भारत की महिलाओं को, तो महिलाएं उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट से मदद मांग रही है, पुलिस वालों को कोस रहे हैं, हम अपने ही पुलिस वालों को हम कोस रहे हैं कि उन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कुछ करो। तो आज इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है निर्लज्ज, हिजड़े तो हिजड़ा है साला, हिजड़ा तो छत्ता है साला, तो छत्ता नहीं होता तो ये तेरे ना सचिन, ठीक है, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, ये तेरी औकात है। ये भी फिर भी गांव और उसमें बोले जाते हैं नाम, इससे बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन तेरे एपी सिंह को बुरा लगा ना। अब मैं बोलती हूँ तेरे हिजड़े और छक्के, अब तेरे एपी सिंह को कितना बुरा लगेगा, भेजे अब मुझे नोटिस, अब भेजे हमें नोटिस, किसी भी एक भी महिला को नोटिस भेज के देखे एपी सिंह। और एपी सिंह जी जो आप बोल रहे हो ना, आपके बस की कुछ नहीं है, अरे आपके लग गए हैं, वारे वारे हो गए हैं आपके मोमिन सर के आने से ना, हम लोगों की और ज्यादा पावर बढ़ गई है, जितना हम लोग जब बोलते थे ना उससे दुगना आप बोल रहे हैं, औकात है, हिम्मत है तो हमारा सामना करो। इस दो बोली की औरत को तुम वो कर रहे हो, हैदर भाई को तो कितना कर रहे हो, क्योंकि आप कसूरवार हैं, और हैदर भाई यहाँ आ रहा है ना, वो तुम्हारी वाट लगाएगा, इसलिए तुम तीनों कितने डरे हुए हो, और जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है ना, तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुम हिंदुस्तान की बहनों के लिए बोल रहे हो, और आप जिस स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हो, आपके घर में बहन नहीं है। एपी सिंह जी, जो आप उनको समझा रहे हो कि आप इस तरह से आप बोल रहे हो, जो कवर करने के लिए आप बोल रहे हो ना, कफन सर पे बांध लेंगे आपकी कवर का जो वो है ना, उसका बिल्कुल हम वो देंगे, समझे ना, जवाब देंगे। आप ये मत सोचिएगा, आपको पता है मेरे हिंदुस्तान की बहनें कितनी खतरनाक है, समझे। 15 दिन बाद आप निर्भया की माँ के पैरों में गिरे थे, तब आज आप हो, नहीं गिरते ना, उस टाइम पे ही आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा था। और बड़ी बड़ी इस बार कितना बताओ, मैं समझता हूँ कितना बताओ, बहुत बड़ी गलती। मैं वही कह रही हूँ, एक माँ होती है ना, एक माँ जब देखती है किसी को एक भाई के तौर पे देखती है, हम हिंदुस्तानी औरतों की यही तो एक सबसे बड़ी वो है खासियत कि हम पिघलते बहुत बड़ी जल्दी जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर निर्भया की माँ ने अगर शक्ति दिखाई होती ना, तो आज एपी सिंह जी आपकी औकात नहीं होती, आज आप नीचे सर करके बात कर रहे होते, इस तरह की दो कौड़ी की दो टके की नाचने वाली, कोठे पे नाचने वाली आज मैं भी बोल रही, इसकी औकात है मुझे रोकने की। आज मेरे हिंदुस्तान की बहन को इस तरह से जलील कर रही है, आज ये लपू मेरे हिंदुस्तान की बहन को, जो बहन
सांसद इसके बच्चों के उन बच्चों के लिए ये जो बोल रहे हैं कि बच्चे मेरी जान है, अरे दो कौड़ी की बच्चे तेरी जान वान कुछ नहीं है, बच्चों को तो ढाल बना के लेके आई है। जब तू 50 दिन के लिए गई थी तब बच्चे तेरी जान कहाँ थे? जब तू कैंट जाती थी वो करने के लिए सीखने के लिए, और आज मैं बोलती हूँ क्यों डिलीट कराए, AK-47 चला रही थी क्यों डिलीट करी तूने वो वीडियो, और साथ दिखा रही हूँ अपनी AK-47 चलाते हुए तूने वो वीडियो डिलीट करवाई। अभी तेरा बाप आ रहा है हिंदुस्तान में, ठीक है ना, सारे सबूत लेके तेरा बाप आ रहा है। और मैं बता रही हूँ AK सिंह जी, गुस्सा मत दिला देना, पता चल रहा है कि हम सारी माताएं बहने आपके घर पे आके, आपके सारे फार्म हाउस पे हो, आके आप घर पे हो, वहां आके हंगामा कर दिया ना, आप मुंह दिखाने लायक नहीं कि कहीं कहीं भी नहीं। इस बोधली जड़ की वजह से मेरी हमारी हिंदुस्तान की माँ बहनों को कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है। वो सिर्फ उन 4 बच्चों की सिक्योरिटी के लिए ही तो हम आवाज उठा रहे हैं। ये नाचने वाली धंधे वाली धंधा कर रही है, ये धंधा कर रही है, बेशरम को शरम भी नहीं आ रही है। ये लाइव में बोल रही है कि फलानी तेरी दी हुई साड़ी, अगर भिकारण तूने भीख मांग के ही खाना है, भीख मांग के ही पीना है, भीख तू 24 घंटे तो नशे में रहती है, सूंघती है, खाती है, पता नहीं क्या तू इंजेक्शन लेती है। अरे दो कौड़ी की मैं और ज्यादा गालियां नहीं दे सकती, तेरी जैसी नहीं हूँ, पर अगर तू मेरे हिंदुस्तान की बहन और भाई और किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ बोलती है ना, हम एक परिवार है हिंदुस्तान में, हम आपस में लड़े मरे जो मर्जी करे, तेरी औकात क्या है हमारे लिए बोलने की, और तेरे साथ रह के इस लप्पू की औकात क्या है? दा हिजड़े थक्के साले, तो अभी नहीं भी है ना तो थक्का बना देंगे तेरे को, आगे पीछे लात मार मार के अच्छी तरह, समझा ना। आज मैं दो बात सरिता जी, आज मैं और बात करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया कि आपने पारुल बहन के लिए तो आवाज उठाई है, आपने किंजा के लिए या मुस्कान के लिए आवाज नहीं उठाई। देखिए मुस्कान को मैंने देखा हुआ है, वो जिस तरह से बात करती है उसको अपना डिफेंड करना आता है, वो डिफेंड कर लेगी, लेकिन जो लफ्ज तुमने हमारी किंजा बहन के लिए किए मैं उसको नहीं जानता, मैंने नहीं देखा। लेकिन वो गुलाम हैदर के साथ अगर लाइव में आ गई है तो हमारी बहुत सारी बहनें आई हैं लाइव में, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या हो, क्या मसला है तुम्हें? तुम वो औरत हो कि तुम घर भी किसी का बर्बाद करो और अगर कोई उसके लिए आवाज उठाता है तो आग भी सबसे ज्यादा तुम्हें लगती है। तो बहुत ही अफसोस के साथ जो लफ्ज तुमने किंजा के लिए किए हैं, वो इंतहाई एक शरीफ औरत है, उसने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि वो गलत औरत है, और ना हमें कोई जरूरत है। इतनी कोई गलीज औरत हो तुम कि तुमने किसी को भी नहीं बख्शा, तुम्हें तकलीफ हो गई कि उसने गुलाम हैदर के लिए आवाज उठा ली है और उसने तो कहीं पर गुलाम हैदर को साथ ले लिया है, तो कैसे आग लग गई है तुम्हारे अंदर? क्या लफ्ज तुम्हें इस्तेमाल करने हैं? वो जी मर्दाना चेहरा, वो बाल तुम्हारे कैसे, वो अपनी औकात को देखो ना, तुम क्या चीज हो? जो साथ तुमने वो बिठाया हुआ है ना, हम लोटा रखते हैं ऐसा वहां पर वॉशरूम में, गंदा पानी जिसमें गिरता है वो वाला लोटा रखते हैं जो तुमने साथ रखा हुआ है, बल्कि वो उससे भी गलीज है। मैं समझता हूँ बहुत ही घटिया और बहुत ही फजूल ज़हनियत की मालिक। सर सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, सॉरी, बट ये शौचालय का वो वाला डिब्बा है जिसको 10 लोग यूज करते हैं, ये जो सुलभ शौचालय होते हैं ना, ये सुलभ शौचालय में रखा हुआ वो गंदा डिब्बा है जिसको लोग 10 बार लात मारते हैं और 10 बार पिछवाड़ा धोते हैं इस डिब्बे से, ये वो है। ये नामर्द साला दो कौड़ी का मेरे हिंदुस्तान की बहन के लिए इससे बोलेगा, इसके तो जाके ना वो डिब्बा मैं मतलब आपके सामने नहीं बोल सकती और मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकती, लेकिन आज यहाँ लगी है। आज मैंने माँ से भी बात की है, मैंने कहा माँ आज करो कुछ करो, चलो वहाँ, लेकिन आशा माँ जी ने मेरे को बोला कि सरिता हम आ जाएंगे तो वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, हम बाहर से चीखेंगे चिल्लाएंगे कुछ नहीं होगा क्योंकि वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, हम तो उसको हाथ तक भी नहीं लगा सकते। मतलब मेरा आज ये मन कर रहा था कि वहां जाके ना इसका एक हाथ और एक पैर तोड़ के, साले की बत्ती से तोड़ के ना, और उसमें पेपर बैग में रख के इसकी जेब में रख के, और इसके नीचे इसके एक हाथ और एक पैर तोड़ के कमर में बांध के, और इस दो कौड़ी की जो औकात की औरत है इसके हाथ में पकड़ा दे। जिस तरह से हैदर भाई का हम साथ दे रहे हैं, इसने क्या कमी करी है हमारे लिए? इस बेगैरत औरत ने किंजा बहन के लिए इतना कुछ बोला,
वो कीड़ा रहे अगर हैदर भाई के साथ में कमेंट पढ़ने के लिए आ गई तो इसकी क्यों मिर्ची लगी, आगे पीछे क्यों मिर्ची लगी इसकी, क्यों? इसलिए कि इसको जलन हुई, इसको जलन हुई क्योंकि ये हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ में किसी को नहीं देख सकती आप, ये मैं बता रही हूँ ना, इसको ये जलन हुई कि मेरे हस्बैंड के साथ में और कोई और पराई औरत बैठ गई, तो अगर बेकौड़ी की बेशरम औरत वो तेरे पिछवाड़े पे लात मारते हैं, लात सुननी चाहिए उनको, ना उनको अभी कोई शादी का कोई शौक है, उनको अपने बच्चे लेने हैं, उनको अपने बच्चों से मतलब है, और तेरी जैसी बेगैरत औरत, तेरी जैसी बेगैरत औरत को तो आप घर में पोछा लगाने के लिए भी नहीं रखेंगे, और किंजा बहन जिस तरह से बोलती है, मुस्कान भी जिस तरह से बोलती है, मैं मुस्कान की भी तारीफ करती हूँ, मुस्कान जिस रुबाब से बोलती है ना तभी तेरी ज्यादा आगे पीछे आग लगी है, क्योंकि मुस्कान के पास तेरी वो पोल पट्टी है ना बेटा, कभी सोच भी नहीं सकती तू, कभी सोच भी नहीं सकती है, और जिस दिन मुस्कान इस तरह की है ना, जिस दिन तूने मुस्कान के बेटे का उनके हस्बैंड का उसका नाम ले लिया ना बेटा, वो पब्लिक कर देगी और तू तब मुंह दिखाने लायक रहेगी, तेरा भाई भी मुंह दिखाने लायक रहेगा, और तेरे जो थक्का बिठा रखा है ना तूने, ये अपने बेटे से भी छोटी उम्र का जो थक्का बिठा रखा तूने यहाँ पे, अब तू इसके भी पिछवाड़े से लात मार के सीधा बाहर बताएगी, जब तेरा भी काम नहीं है।